हेलो एवरीवन आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन ये यूनिट सेवन्थ का लेक्चर नंबर सेकंड है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है वर्क फंक्शन मींस जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो अब हम देखेंगे कि वहां से जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं क्या वो सिर्फ लाइट के थ्रू निकाल सकते हैं उसका कोई और भी मेथड होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो फिनोमिना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं तो अब हम यहां पे इसकी टाइप्स देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी है तो सबसे फर्स्ट टाइप है थर्म आयनिक थर्मायनिक एमिशन सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थर्ड है फील्ड एमिशन और फोर्थ है सेकेंडरी एमिशन अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में, में स्टडी करते हैं कि थर्मायनिक एमिशन क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है फील्ड एमिशन क्या होगा और सेकेंडरी एमिशन क्या होगा और इनसे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते थर्मायनिक एमिशन से सबसे फर्स्ट टाइप है थर्मायनिक एमिशन थर्माइनिक एमिशन क्या होता है यहाँ पे जो ये वर्ड है थर्म थर्म तो यहाँ पे थर्म आयनिक थर्म वर्ड का मीनिंग होता है टेम्परेचर या फिर हम बोलेंगे हीट टेम्परेचर या फिर हीट आयनी मीन्स आयनिक मीन्स आयंस और एमिशन मीन एमिट करना तो ये थर्मो आयनिक एमिशन क्या होगा इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है कब? जब हम उसको हीट करेंगे शूटेबली। हीट करना मीन्स उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देना उसका या फिर उसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करना तो यहां पे जब हम उसको हीट करके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थर्मोइनिक एमिशन बोलेंगे और इसमें से फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन का नाम हम क्या दे देंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन थर्मल इलेक्ट्रॉन या फिर हम उनको बोलेंगे थर्म आयंस थर्म आयंस थर्मल इलेक्ट्रॉन या फिर थर्म होगा तो ये थी इसके फर्स्ट टाइप थर्माइनिक एमिशन क्या होता है इसमें हमने सिर्फ मेटल को क्या किया है हीट कर दिया मींस उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है अब हम देखते हैं सेकंड एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है यहां पे जो ये वर्ड है फोटो तो यहाँ पे फोटो का मीनिंग क्या होता है फोटोन इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन तो मीन्स फोटोन की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मीन्स इट इज ए फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन का फिनोमिना वेन लाइट रेडिएशंस लाइट की जो रेडिएशन होती है वो शूटेबल फ्रीक्वेंसी शुटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई थ्रेसोल्ड से तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा तो यहां पे इन्होंने बोला कि जैसे ही हमने मेटल के ऊपर एक शूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को फोल करवा दिया तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस फिनोमिना को हमने क्या नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अब इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा जैसे ही फोटोन इसके ऊपर फॉल होगा तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर ली अब इसके पास एनर्जी हो गई तो एनर्जी हो गई तो जो वो बैरियर था या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी तो उसको ओवरकम करके ये फ्री हो गया तो इस, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसने फोटोन की एनर्जी को यूज किया है और यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन तो ये थी इसकी सेकेंड टाइप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जिसमें हमने फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाया है थर्ड एमिशन है फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन का मीनिंग क्या होगा जैसे हमने ये मेटल ली है मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और अगर हम चाहते ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए मूव कर जाए बाहर की तरफ तो इसके लिए हमने इसके ऊपर क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी वो स्ट्रांग होगी मीन्स टेन डेज टू दी पावर एट वोल्ट पर मीटर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम देंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन है इजिली इसके अंदर से बाहर निकल गए क्यों निकलेंगे अब पॉजिटिव पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो गई ये वाली पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पॉजिटिव तो की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होंगे तो सारे के सारे सारे नहीं बोल सकते यहां से जितनी भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालने वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इस तरह से पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से और इस साइड नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया इस फील्ड एमिशन का दूसरा नाम है कोल्ड एमिशन कोल्ड एमिशन फील्ड एमिशन को हम कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं तो ये था फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन में हमने मेटल के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं होनी चाहिए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए टेन रेज टू दी पावर एट वोल्ट पर मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे फोर्थ है सेकेंडरी एमिशन सेकेंडरी एमिशन क्या होगा वही हमने एक मेटल ली मेटल की प्लेट ली इसके अंदर क्या होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी जैसे हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसके लिए हम यहां से ऊपर से या साइड से कहीं से भी इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को फोल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को फोल करवाएंगे मीन जैसे यहां पर एक पार्टिकल है अगर हम चाहते हैं ये यह पार्टिकल यहां से मूव कर जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें दूसरा पार्टिकल लेकर आएंगे जो हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा इस पार्टिकल की तरफ और ये इसके साथ टकराएगा और यहां से भाग जाएगा यहां पर चला गया जैसे इसने इसको स्ट्राइक किया तो यहां पर भी यही हो रहा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, फास्ट मूविंग है मीन्स उनकी वेलोसिटी क्या बहुत हाँ है बहुत ज्यादा हाई है हाई वेलोसिटी है तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जिसकी हेल्प से यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर चला गया अब जो पहले फोल हो रहे इलेक्ट्रॉन उनको तो हमने बोल दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और उनकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो सेकेंडरी एमिशन क्या होगा इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने का फिनोमिना वेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है मेटल की सरफेस से तो उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं तो ये था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैसे मेटल की सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आइंस्टीन ने किस तरह से इस एनर्जी को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ से कुछ भी पार्टिकल आता है चाहे वो फोटोन आएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा फील्ड अप्लाई करने से या टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा क्या वो बाहर निकल कर यहां पे रुक जाएंगे या मूव करते रहेंगे और अगर मूव करते रहेंगे तो कितनी ज्यादा दूर तक जाएंगे ये चीज किसने एक्सप्लेन की थी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू अब वो इक्वेशन क्या होती है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे